मेरे YouTube चैनल बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप यूनियन बैंक के डिपॉजिट फॉर्म यानी पैसा जमा करने वाले स्लिप को कैसे भरेंगे। सबसे पहले आप एक इस तरह का डिपॉजिट फॉर्म यानी पैसा जमा करने वाला पर्ची लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक भाषा में आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए अब फॉर्म को भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शाखा यानी ब्रांच पर आप आएंगे। यहाँ पर आप अपने बैंक के ब्रांच नाम को लिख देंगे यानी आपका बैंक किस एरिया में है उस एरिया का यहाँ पर आप नाम लिख देंगे। इसके बाद आप नीचे डेट पर आएंगे। यहाँ पर आप जिस दिन पैसा जमा करेंगे उस दिन की डेट को यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद आप यहां पर आएंगे। यहां पर आप अपना अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या पासबुक से देखकर सही से लिख देंगे। इसके बाद आप यहां पर नाम पर आएंगे। आपका जो नाम अकाउंट में होगा उसी नाम को यहां पर आप सही से लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर आएंगे। यहाँ पर आप अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर आपसे इसलिए मांगा जाता है क्योंकि अगर आपका पैसा कोई भी कारण से जमा नहीं हुआ तो उस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन यानी सूचना आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर दे देंगे। इसके बाद आप जितना पैसा जमा करना चाहते हैं उसे यहाँ अंकों में लिख देंगे और इस तरह का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद जितना पैसा आपने यहाँ अंकों में लिखा है उतना ही पैसा यहाँ पर आप एक बार शब्दों यानी वर्ड्स में लिख देंगे। और इस तरह का लकीर खींच देंगे। इसके बाद आपको इधर कुछ नहीं भरना है। जिस तरह आपने फॉर्म के इस तरफ छोटे वाले भाग में भरा है सेम इसी तरह फॉर्म के इस तरफ बड़े वाले भाग में आप भर देंगे। यहाँ पर भी सबसे पहले आप यहाँ पर शाखा यानी ब्रांच पर आएंगे। यहाँ पर आप अपने बैंक के ब्रांच नाम को लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डेट पर आएंगे। आप जिस दिन पैसा जमा करेंगे उस दिन की डेट को यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद आप यहां पर अपना अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या पासबुक से देखकर सही से लिख देंगे। इसके बाद आप यहां पर नाम पर आएंगे। आपका जो नाम अकाउंट में होगा उसी नाम को यहां पर आप लिख देंगे सही से। इसके बाद जो आपने पहले मोबाइल नंबर को लिखा था उसी नंबर को यहाँ पर आप फिर से लिख देंगे सेम। इसके बाद यहाँ पर मैं बता दूं कि आप ये ईमेल आईडी ऑप्शनल में है, इसे भरना कोई जरूरी नहीं है, इसे आप खाली रहने दें। इसके बाद आप जितना पैसा जमा करना चाहते हैं उसे यहाँ शब्दों यानी वर्ड्स में लिख देंगे। इसके बाद आप यहां पर पैन नंबर पर आएंगे। अगर आप अपने अकाउंट में 50,000 से ऊपर जमा कर रहे हैं तो यहां पर आप अपना पैन कार्ड का नंबर दे देंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसे आप खाली रहने दें। इसके बाद आप यहां पर आएंगे। यहां पर आपको अपना पैसे का विवरण देना है। यहां पर मैं बता दूं कि आप जितना पैसा जमा कर रहे हैं वो पैसा आपके कौन कौन से नोटों के रूप में है और उन नोटों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मैं 6,000 जमा कर रहा हूँ तो 6,000 में से 2,000 के मेरे दो नोट है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दो, और दो नोटों की वैल्यू हो जाती है 4,000। और 500 के चार नोट है तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ और चार नोटों की वैल्यू हो जाती है 2,000।
यहाँ पर आप टोटल करके उतार देंगे कितना हो रहा है और इस तरह का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर साइन पर आएंगे, यहाँ पर आप साइन कर देंगे। साइन यहाँ पर कोई भी कर सकता है, जो आपका पैसा जमा करने जा रहा है वो भी यहाँ पर अपना साइन कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप फॉर्म को पीछे की ओर पलटेंगे। फॉर्म को पीछे पलटाने के बाद यहाँ पर सिर्फ आप एड्रेस और मोबाइल नंबर को लिख देंगे। ईमेल आईडी ऑप्शन में है, इसे भरना कोई जरूरी नहीं है, इसे आप खाली भी रहने दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप एड्रेस उतार देंगे। फॉर्म को इस तरह से पूरा भरने के बाद आप पैसा जमा कर दे, आपका पैसा जमा हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो और बेसिक नॉलेज आपको आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।